नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय प्रकाश। आज मैं आप लोगों को शतावरी के प्लांट के बारे में बताऊंगा, इसका औषधीय महत्व क्या है। सबसे पहले जो ये शतावरी है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है, मीन्स प्रजनन संस्थान पे। इसको वृक्षादि वर्ग में रखा गया है। शुक्र जनन इसका कर्म है, यानी ये सीमन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसका एक अन्य मुख्य कर्म स्तन्य जनन है, यानी ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। यदि प्रसूता में स्तन की मात्रा कम हो तो वहाँ पर शतावरी का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। बॉटनिकली इसको एस्परेगस रेसिमोसस के नाम से जानते हैं और ये लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। हिंदी में इसको शतावर के नाम से जानते हैं। इसके कुछ पर्याय हैं, जैसे शतमूली, यानी जो इसके रूट्स हैं वो गुच्छे में होते हैं। शतवीर्या, यानी इसकी जो पोटेंसी बहुत ज़्यादा है इसलिए शतवीर्या है। बहुसुता, यानी फाइबर्स होते हैं ये इसके रूट। अतिगसा, इसके जो रूट हैं उसमें रस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके लीफ देखिए, ये देखिए बाइफर्केट है, स्नेक के टंग की तरह, सर्प की जिह्वा की तरह, इसीलिए इसको फंड जिह्वा भी कहते हैं। इसका एक और पर्याय है वही। अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो ये कंटक युक्त झाड़ीदार, देखिए कंटक युक्त झाड़ीदार ये पौधा है। आप वही लता, ये क्लाइंबर है, ये देखिए दूसरे प्लांट पर चढ़ा हुआ है, ये क्लाइंबर है। ये पत्ते की जगह पे ये काटे हैं, ये देखिए नीचे अधोमुखी है ये, इसीलिए इसको छोटी शतावरी कहते हैं। बड़ी शतावरी एक महाशतावरी है जो कि दक्षिण में पाई जाती है, उसको सहस्त्रमूली या सहस्रद्रिया या ऋषि प्रोक्ता के भी नाम से जानते हैं, या ऊर्ध्वकंटिका। इसमें कांटे नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महाशतावरी में ये कांटे ऊपर की तरफ होते हैं। और इस महाशतावरी में कंधों की संख्या छोटी शतावरी से ज़्यादा होता है। महाशतावरी को एस्परेगस फ्रैगमेंटोसा के नाम से जानते हैं। एक तीसरी वैरायटी है जिसमें कांटे नहीं होते हैं, वो हिमालय में पाई जाती है, उसको एस्परेगस फिलिसिनस के नाम से जानते हैं। अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो शतावरी के कंद में सैपोनिन पाया जाता है। सैपोनिन का जो मेन एक्शन है वो गर्भाशय संकोचक का शमन करना। इसके अलावा यदि हम मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी शुक्रल है, यानी यह सीमन के अमाउंट को बढ़ाता है और स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है, गर्भ का पोषण करता है, स्तन्य जनन है ही है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है, बल्य भी है, शरीर को बल प्रदान करता है। रसायन बॉडी में ऊर्जा प्रदान करने वाला, ओज को बढ़ाने वाला, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला ये है। इसके अलावा गर्भ सावकर भी है, शुक्र क्षय में देते हैं, गौरबल्य में देते हैं। अगर हम इसके प्रयोजंग की बात करें तो कंद, यानी इसके अंदर जो रूट है उसका प्रयोग करते हैं, और स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml यूज करते हैं, श्वास की मात्रा 50 से 100 ml यूज करते हैं, और इसके चूर्ण को 3 से 6 ग्राम दूध के साथ लेते हैं। इसके फूल की हम बात करें तो वो छोटे सफ़ेद रंग के सुगंधित और गुच्छों में बंचेज में होते हैं ये, और इसके जो फल होते हैं, इस समय फल दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि छोटे छोटे गोल और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं, उसमें करीब 1 से 2 बीज पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा ये शतावरी का प्लांट देखिए कितना हरा भरा है और कितना कारगर है। धन्यवाद।